भाजपा के तमाम आरोपों पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पलटवार करते हुए आखिरकार अपनी चुप्पी को तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है और पुलिस बहुत बढ़िया काम कर रही है। कोंडागांव प्रकरण में उन्होंने कहा है कि 7 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है, तुरंत विधि सम्मत कार्यवाही नहीं करने पर थाना प्रभारी को निलंबित कर जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री के द्वारा समय समय पर विभागों की बैठक ली गई। समीक्षा बैठक में महिला विरोध अपराधों में तत्काल कड़ी कार्यवाही किए जाने के लिए सभी रेंज महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं। समय समय पर विभागीय समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी भी करते हैं, मैं भी करता हूं, और सभी डीजीपी आईजी डीआईजी एसपी सबको स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि हर हाल में लॉ एंड ऑर्डर बना कर रखें। और उसका परिणाम भी है कि कोई ये जो दुर्घटनाएं होती हैं या जो क्राइम्स होते हैं उसके अलावा कोई इस प्रकार से बड़ी घटना को जानकारी आने के बाद कार्यवाही नहीं की गई, ऐसा नहीं कहा जा सकता। बराबर कार्यवाही हमारे विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। आज किसानों का